हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सनारो व्लॉग्स, यानी आपका अपना ठीक 11 बजे वाला व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, सो भाई डैनी की तरफ से भी होगी गुड मॉर्निंग। और आज ये जल्दी उठ गया है ना, क्यों उठा बता दे। अच्छे भी तो भाई रात इसका मैंने बोला था सुबह जल्दी उठेगा तो मैं चीजी दिलाऊंगा, इस लालच में ही उठ गया अभी सुबह। स्कूल भी जाना, होमवर्क करेगा, फिर शाम को पापा लेकर आएंगे ठीक है ऑफिस आते हो। देख लो भाई मैडम को बोला एक साल की छुट्टी दे दो, एक साल क्या करेगा फिर पापा के मैं मेरे को अपने घूमने के लिए टाइम नहीं होता, तेरे को ले जाऊंगा घुमाने के लिए। ऑफिस जाएगा, काम करेगा। हाँ। चलो फिर आज से ऑफिस जाएंगे अभी। बाकी इधर बन रहा है अभी ब्रेकफास्ट, तो ये देखो गर्मा गर्म पराठे साथ में चाय, और साथ ही मेरा टाइम भी हो गया 10 मिनट बाकी है, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर निकलता हूँ मैं सीधे ऑफिस के लिए ठीक है। गोलू नहीं जाऊँ, फिर पैसे कैसे आएंगे घर में, देखा। और तेरी चीजी के पैसे कहाँ से आएंगे फिर बताओ। सो एनीवेज चलो भाई मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलता हूँ ऑफिस के लिए। बाकी डैनी तो बिजी था भाई अपना कार्टून देखने में। ये है भाई कार्टून मैन है ना, कार्टून मैन है। चलो उतरो फिर ठीक है। सो गाइस घर आके भाई लंच के लिए, और लंच में है भाई पीले चावल साथ में टमाटर और सरसों के दाने की चटनी। और ये देखो अभी गोलू तो बिना चटनी के खा रहा, आज मुंह बना के बैठा भाई। ये क्या हुआ बाबू है भाई बता दो। नीरो क्या पिटा क्या है ये भाई, कमरे में बंद कर दिया था मम्मी ने, कहना नहीं मानता। बाबू कहना मानना चाहिए है ना। चलो फिर खा लो भाई ठीक है। तो खैर खाने में भी बिजी है, साथ के साथ इसका जो दिन भर का रूटीन कार्टून है भाई। होमवर्क कर लिया अच्छा आज का, फिर शाम को फिर पिटाई हो जाएगी तेरे, देख कल कैसे हुई थी। होमवर्क कर लिया इसने, वेरी गुड भाई, अब तो पक्का चॉकलेट शाम को ठीक है। कि पापा के साथ चलेगा, पापा के साथ चलेगा भाई, नाराज है ये अभी बात नहीं करता अभी। सो एनीवेज चलो अभी मैं भी लंच कर लेता हूँ, फिर मैं निकलूँगा ऑफिस के लिए, बाकी डैनी जाएगा ट्यूशन के लिए। और आज तो शायद इसका ट्यूशन 6 बजे का है ना, है ले भाई तेरी ट्यूशन की टाइमिंग भी चेंज होगी आज से, शाम को 6 बजे। अभी खा पी के थोड़ा रेस्ट कर लेना ठीक है ना। तो फाइनली गाइस अभी निकल पड़े हैं अभी खैर घर के लिए, बाकी लाइटें वाइटें तो है नहीं भाई। देखो रोड में पता नहीं क्यों नहीं जल रही स्ट्रीट लाइट्स इधर की, बाकी साइकिल भी यार आवाज़ तो कर ही रही है खैर अभी भी। कल खोल के देखा इसको, उस टाइम तक तो घर सही चली, फिर उसके बाद पता नहीं क्या दिक्कत करने लगी भाई। अब देखता हूँ अगर पेडल चेंज करवाना पड़ा तो पेडल चेंज करवा देंगे भाई। एनीवेज पहले तो खैर पहुँचते हैं भाई घर, और साथ ही भाई आज तो खैर घर खाली हाथ भी नहीं जा सकते क्योंकि डैनी भी 2-3 दिन से बोल रहा पापा चीज़ी लेके नहीं आए, चीज़ी लेके नहीं आए। तो खैर देखता हूँ कुछ ना कुछ सामान लेकर के जाना पड़ेगा फिर उसके लिए। बाकी डेली बेसिस पे मैं लेके नहीं जाता हूँ कभी भी, नहीं तो फिर रोज़ की आदत लग जाएगी, तो इस वजह से भाई फिर मैंने चलो हफ्ते में 1 या 2 बार ले जा लेंगे तो कोई इशू नहीं। तो चलो भाई खैर पहुँचते हैं घर। बाकी बात करें अगर मौसम की तो भाई मौसम तो खैर मतलब ठीक ठाक सही है, अभी दिन थोड़े से बड़े ज़रूर हो गए, लेकिन आज थोड़ा सा लेट निकला हूँ भाई ऑफिस से 6:30 बजे। लो भाई ये जल गई स्ट्रीट लाइट्स भी, अब जाकर के थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ होगा। बाकी इसका मैं करता हूँ यार आज पैडल का इलाज कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे खुद अनाइंग सा लगता है ऐसे सुनने में, तो आप लोगों को तो पता नहीं फिर कैसे लगेगा। तो एनीवेज चलो भाई खैर चलते हैं, पहले तो दुकान वहाँ से लेते हैं अभी गोलू के लिए कोई चीज़, और फिर पहुँचेंगे घर। उसके अलावा थोड़ा सा यमुनानगर तरफ भी जाना है आज, देखता हूँ अगर आज पॉसिबल हो पाता है तो आज जाऊँगा, अदरवाइज फिर कल तो 100% जाना ही पड़ेगा। तो चलो भाई पहले तो चीज़ देखे भाई कुछ ना कुछ, चलो भाई बाकी रिकॉर्डिंग करते हैं भी बाद में।
तो चलो भाई बाकी, तो चलो गाइस बाकी मिलते हैं भाई घर पहुंच करके। अब सो फाइनली गाइस बैक फ्रॉम द ऑफिस, चेंज वगैरह भी हो गया है। बाकी भाई डेनियल का ट्यूशन का टाइम हो गया है चेंज, तो अभी वो है 6 से 7 के ट्यूशन टाइम पे। सो खैर अभी जाता हूँ थोड़ी देर में, उसको भी वहाँ से पिक कर लेते हैं। बाकी भाई उसके लिए चॉकलेट ले ली है, तो खैर जब आएगा तब देते हैं उसको। सो चलो खैर टाइम पे होने वाला है तो मैं निकलता हूँ और डैनी को लेकर के आता हूँ अभी पहले। तो क्या खाया तूने आज? चॉकलेट खा के तो कितनी एनर्जी मिल गई यार। देखो ये पागल हो गया है लड़का भाई, बाकल से तेरी चीज बंद। किसकी पार्टी होनी है तो बता दे। किसकी पार्टी है तो बता, किस बात की? हैं सही से बता। तो भाई गोलू तो घर हो गया पागल। बाकी नीरो करे डिनर की तैयारी, तो सब्जी तो घर बन गई भाई, फिश करी, अब रोटियां बनेगी। अरे ये पागल देखो भाई हमारा, क्या खाया तूने ईमानदारी से बता, चॉकलेट के अलावा क्या खाया? सेब खा के इतनी पावर आ गई? तो फिनिश करो, देखो वहां पे बचा हुआ ना, अभी फिनिश करो जल्दी, चलो चलो जल्दी एप्पल फिनिश करो बाबू। तूने पापा को नहीं दिखाया एप्पल में जो कलर करा? पापा को देख लिया मैंने, उसका बैग खोला था मैंने। किसने करा बाबू, आपने कि मैडम ने? मैंने। झूठ बोल रहा? नहीं बोल रहा। सच्ची आपने करा? वेरी गुड भाई, फिर तो सोने में। चलो अभी इसको खेलने देते हैं। बाकी नीरो खैर डिनर बना रही है, मैं भी थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेता हूँ भाई, ठीक है कर लो। सो फाइनली गाइस इट्स टाइम फॉर बेड। सो भाई मैं तो घर आ गया हूँ बिस्तर में, बाकी नीरू डेने लगे हुए अपने सीरियल देखने में। और एक्चुअली मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा ऐसे नोटिस कर रहा हूँ भाई कि नींद थोड़ी जल्दी आ जा रही है, कभी एडिटिंग करते करते सो जा रहा हूँ, तो खैर कभी रात के बीच में उठ के एडिटिंग करनी पड़ रही, तो खैर इस करके मैंने कहा चलो एडिटिंग निपटाते हैं फिर उसके बाद सो ही जाएंगे। सो अभी टाइम हो गया 10:15, तो खैर इनका तो सीरियल चल ही रहा है। बाकी भाई अपना तो यह है कि चलो एडिटिंग इस पोर्शन तक की होगी, ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे और फिर फाइनली अपलोडिंग में लगा के गुड नाइट हो जाएगा अपना। सो एनीवेज आज के ब्लॉग को भी कर लेते हैं हम लोग यहीं पर एंड। और फिर आज का ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इनके सीधे पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो भाई। सो मिलते हैं कल एक और एक नए ब्लॉग के साथ। मीनवाइल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।